हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जियो पेमेंट्स बैंक को लेकर। तो आपको जियो पेमेंट्स बैंक में कैसे अकाउंट ओपन करना है, तो सारी जानकारी इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है और उससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट लिंक दिया है, तो जिस पर आप जैसे ही टैप करोगे तो ऐसे इंटरफेस में आ जाओगे, या आप प्ले स्टोर में भी सर्च करके माई जियो वॉलेट का जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करके आपको सबसे पहले उसमें अकाउंट बनाना है। तो परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लोडिंग लेगा सर्वर की वजह से। तो यहाँ पर अपना जो भी लोकेशन हो आपको एक्सेस दे देना है, यहाँ पर लोकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अब यहाँ पे अपना लोकेशन ऑन किया, यहाँ पे आपको सिम कार्ड सिलेक्ट करना है। तो सिम कार्ड में अपना जियो का सिम कार्ड मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं अपना वोडाफोन का सिम कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो परमिशन को अलाउ कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉन जियो सिम कार्ड से करके दिखा रहा हूँ, आप भी कर पाएंगे इससे। तो यहाँ पर मेरा एक SMS सेंड हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे SMS कंफर्म हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नंबर वेरीफाई किया है उस पर एक OTP आएगा। तो सिंपल से OTP डालने के बाद यहाँ पे अपना जो भी नाम हो और आपका जो भी Gmail ID हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक बार ध्यान से सिलेक्ट करना है Gmail ID। तो मेरा यहाँ पर जो Gmail ID है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद प्रोसीड करता हूँ। नीचे ध्यान से करना है सारा स्टेप ताकि आगे से कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बर्थ ऑफ डेट पूछ रहा है, तो जो भी हो आपका डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर सेव लिखा है तो सेव पर टिक मार्क करना होगा आपको, तभी ये डेटा सेव होगा। डाल दिया सब कुछ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। पासवर्ड आप अपनी तरफ से जो भी रखना चाहते हो, 2 बार पासवर्ड सेम ही रखना है। तो पासवर्ड डालने के बाद I agree पे कन्फर्म कर देना है और रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, मेरे पास अभी पैन कार्ड अवेलेबल है, तो पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, तो चलिए टाइप कर लेते हैं पैन कार्ड का नंबर। मेरे पास जो भी है पैन कार्ड उसका मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद सिंपली नीचे कंफर्म लिखा है तो कंफर्म पे टैप करना है आपको। तो फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें आपको OTP फिलअप करना है। तो मेरा OTP यहाँ पर आ चुका है, तो OTP हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मैन्युअली। ओके, तो आप जैसे ही OTP टाइप कर देंगे आपका यहाँ पे माई जियो वॉलेट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद 4 डिजिट का आपको MPIN यहाँ पे डाल देना है। 2 बार जो भी डाल रहे हैं 2 बार सेम डालना है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अलाउ कर देना है, अगर आपके पास है तो अलाउ कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से एक बार MPIN डाल देना है और यहाँ पर माई जियो वॉलेट में आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे सेकंड लिंक देने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, और उसमें अपना जो भी नंबर आप जियो पेमेंट्स बैंक ओपन करना चाहते हैं तो उसका नंबर डाल दो यहाँ से सिंपल से। तो मैं यहाँ पर वोडाफोन का मेरा नंबर है वो डाल के OTP जनरेट कर लेता हूँ। तो OTP डाल देता हूँ यहाँ पर सिंपल से, तो मेरा यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही हो गया लॉगिन देख पाएंगे आप। अब आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड लिंक दिया है, तो जैसे ही आप सेकंड लिंक पे टैप करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको रिडायरेक्ट कर देगा सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कस्टमर केयर सर्विस का सपोर्ट का नंबर सब कुछ है। तो नीचे लिखा है अपडेट नाउ, तो उस पर टैप करना है। उसके बाद परमिशन को अलाउ कर देना है। तो जैसे अलाउ करोगे डायरेक्ट आपको माई जियो यहाँ पे माई जियो की एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बैंक सेक्शन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो आपको रुक जाना है। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, तो इसमें लिखा है बीच में लेट्स गेट स्टार्टेड, तो सिंपल से उस पर टैप करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपका सिम कार्ड हो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परमिशन को अलाउ करके प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपका सिम कार्ड कुछ टाइम के लिए वेरिफिकेशन में जाएगा और आपका डिवाइस वेरीफाई हो जाएगा कि आप इस नंबर पर जियो पेमेंट्स बैंक ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अलाउ कर दो, 2 बार MPIN डालना है, MPIN सेम डालना है आपको, ध्यान रखना बात को, और प्रोसीड कर देना है सिंपल से। नीचे लिखा है प्रोसीड। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोसीड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल से जो ये पेज दिख रहा है आपको उस पेज को रिफ्रेश करना है 1-2 बार। तो कुछ ऐसा बैनर शो होगा यहाँ पे, जो
ब्लू वाला बैनर शो हो रहा है ना फर्स्ट नंबर पे, अपडेट टू जियो पेमेंट्स बैंक, तो उस पर टैप करना है आपको। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, तो उस पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपल से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो चलिए ओटीपी का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा आधार ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पे मैं ओटीपी को डाल देता हूँ सक्सेसफुली, और उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने सबमिट कर लिया है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन, आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल से आपका जो प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ऊपर में आपको ईमेल आईडी पूछेगा, तो जो भी ईमेल आईडी आपने डाला था सेम वही ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद पैन कार्ड का आपका नंबर डालना है, उसके बाद आपका मेरिट स्टेटस क्या है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल हो सारा फिलअप कर देना अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स फिलअप करके आपको एक बार डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड का नंबर था वो डाल दिया, मैरिड में मैं सिंगल हूँ तो सिंगल डाल दिया। उसके बाद मदर्स नेम पूछ रहा है, तो सिंपल से आपकी मदर्स का नाम जो भी हो यहाँ पे फिलअप कर दो। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप जो भी कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ऑक्यूपेशन में। ओके, मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट। यहाँ पे आप किसके लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो पूछ रहा है, तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली। ओके, तो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अमाउंट आप कितने पैसे कमाते हो, तो अप टू 15K, तो सिलेक्ट कर लेते हैं उसको और प्रोसीड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होकर आएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ओनली प्रोसीड कर देना है। ओके, तो मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें आपको नॉमिनी नेम ऐड करने को पूछेगा, तो आपको नीचे स्किप कर देना है। ऐड करना चाहते हो आप तो फादर का नेम ऐड कर सकते हो, वरना स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे सारा डेटा चेक कर लो एक बार, अपना जो भी हो डिटेल्स वो चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे कर देना है, नीचे आना है सबसे लास्ट में, ठीक है। और टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट करके यहाँ पे प्रोसीड कर दो। तो जैसे ही आपका प्रोसीड हो जाएगा, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, कामकाज यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो यहाँ पे विद इन 4 या 5 आवर्स के बाद आपको एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा। तो कैसा मैसेज होगा वो आपको शो करवा देता हूँ मैं। और जियो की ओर से आपको एक मैसेज रिसीव होगा, सिंपल से ऐसा कुछ मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका नाम और कुछ लिखा होगा यहाँ पे, यानी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली जियो पेमेंट्स बैंक में ओपन कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर बैंक वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको, तो उस पर टैप करना है। और व्यू प्रोफाइल पे जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको जियो पेमेंट्स बैंक में एक डेबिट कार्ड देगा, तो सारा डेबिट कार्ड का डिटेल यहाँ पे माय प्रोफाइल में आपको शो हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और सब कुछ जो भी डिटेल होगा, अकाउंट नंबर, सब कुछ डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, UPI में आना है। तो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है उस पर क्लिक करने के बाद जियो पेमेंट्स बैंक सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड कर देना है, MPIN डालना है आपका, जो भी MPIN आपने क्रिएट किया था वो डाल दो। उसके बाद जो कार्ड का डिटेल था जो माय प्रोफाइल में था वो डाल के प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माय जियो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली आपका जियो का जो अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। उसके बाद अब दिखा देता हूँ लास्ट स्टेप में कि पेटीएम के अंदर माय जियो पेमेंट्स बैंक को कैसे आपको लिंक करना है। तो पेटीएम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेटीएम थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जाना है आपको UPI वाले सेक्शन में। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे पेटीएम का लॉगिन नहीं है तो पहले सबसे पहले लॉगिन कर लो। तो UPI में चलते हैं। उसके बाद नीचे जाना है आपको, यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे जाना है। तो यहाँ पे मेरे सिलेक्ट किया है जियो पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पे जो माय प्रोफाइल में जो मुझे डिटेल्स मिला था कार्ड का वो डाल देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे OTP पूछेगा, तो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। और आप जो भी अपना जो पिन था सीक्रेट पिन वो आप यहाँ पे डाल दो 4 डिजिट का। तो सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा जियो का जियो पेमेंट्स बैंक लिंक हो चुका है पेटीएम में। तो चेक बैलेंस करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा जियो में 0 बैलेंस है अभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।